हल्द्वानी पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान पूर्व सीएम हरीश रावत ने सरकार पर धावा भी बोला। उन्होंने कहा कि आगामी 4 सितंबर को दिल्ली में महंगाई को लेकर एक बड़ी महासभा होने जा रही है, जिसमें उत्तराखंड से 15,000 कांग्रेसी कार्यकर्ता हिस्सा लेंगे। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा कांग्रेस की कन्याकुमारी से शुरू होगी, जिसमें उत्तराखंड से 11 लोगों का शिष्टमंडल यात्रा में शामिल होगा। इसमें पूर्व कपकोट विधायक ललित फसवाड़ और पूर्व नैनीताल विधायक संजीव आर्य यात्रा में शामिल होने बधाई दी। इस दौरान उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा आयोग में हुकुम सिंह ग्रोह में सम्मिलित भाजपा के नेताओं का नाम सामने आने पर कांग्रेस सरकार से स्पष्ट जांच करने की मांग कर रही है। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का कहना है कि वे अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया में हुए भ्रष्टाचार को लेकर सरकार से निष्पक्ष जांच की मांग करते हैं, जहां कांग्रेस पूरे प्रकरण में अभी तक नरम रुख अपनाए हुए है। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। और मैं चाहता हूं कि लोगों का सपोर्ट मिलना चाहिए सरकार के ऊपर। जिस संस्थान में कम से कम मिनिमम मगर 6 साल से उसका काम ठप पड़ा, मुंशी हरि प्रसाद जी उन व्यक्तियों में है जिन्होंने इस राज्य में जिसको आज हम सिरकार वर्ग कहते हैं, वो वर्ग में अलग अलग क्लासेस के अलग अलग वर्ग विभाजित थे और अलग अलग तरह। उत्तराखंड से भी दोनों में जो हमारी 4 तारीख को महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल है, उसमें भी बड़ा उत्साहपूर्ण पार्टिसिपेशन होने जा रहा है। 15,000 के करीब कांग्रेस जन दिल्ली पहुंचेंगे। और जो हमारी भारत जोड़ो यात्रा है राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, जो कन्याकुमारी से प्रारंभ हो रही है, उसमें भी उत्तराखंड की भागीदारी है। 11 कितने लोग जा रहे हैं, उनमें से 2 लोगों को तो मैंने अभी माला पहनाई।